तो ये कैबिनेट इस डिसीजन की वजह से हुआ है, इसको हम रिव्यू कर लेते हैं कि क्या इसको विड्रॉ किया जा सकता है, कि जिसका जिसकी जारी है उसकी बढ़ के ही चली जाए ऑटोमेटिक, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। चलिए धन्यवाद। माने माने उप मुख्यमंत्री जी, अभी अभी मैंने कमेटी को दे दिया, सारे विषय कमेटी को दीजिएगा, बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा इसको निर्णय ले। नहीं प्लीज प्लीज, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अभी लगभग डेढ़ घंटा पूर्व माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कैग की रिपोर्ट इस सदन के पटल पर रखी थी, और उस पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी कुछ अपना वक्तव्य देना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, कैग की रिपोर्ट पर बोलने के लिए इजाजत देने के लिए आपका आभार है, और पेश करने के लिए भी इजाजत देने के लिए। मैं इस सदन की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से सीएजी को भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने बहुत बारीक नजर से दिल्ली सरकार के कामकाज पर पिछले, ना सिर्फ पिछले तीन साल के बल्कि पिछले कई मामलों में पिछले कई और साल के कुछ चुनिंदा विभागों पर बहुत पैनी नजर से, बहुत बारीक नजर से उनका अध्ययन किया है कामकाज का। और मैं कहना चाहता हूं कि अभी जितनी हम चर्चा कर रहे थे, मैं कोशिश कर रहा था देखने की, लेकिन ये थोड़ा सा संयोग है कि काश, मैं उस वक्त सोच रहा था कि काश सीएजी ने हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट या पेंशन के काम का भी अध्ययन किया होता, तो हमें और कई चीजें इनसाइड जो बहुत ग्रास रूट लेवल पर कहीं कुछ गड़बड़ियां हो जा रही हैं डेलिबरेटली या अनजाने में, जैसे भी हो रही हैं, लेकिन उनका भी बहुत बारीकी से अध्ययन हो गया होता। लेकिन ये भी शायद सीएजी की सीमा है, कुछ सीमित विभागों का ही मैन पावर या उनका रोटेशन है, उसके अध्ययन कर पाते हैं वो। पर मैं तो बल्कि उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं लिखित रूप में उनको बात भी करूंगा, क्योंकि पेंशन हमारे लिए बहुत गंभीर मुद्दा है, कि इस वर्ष के ऑडिट में वो अगर हो सके तो पेंशन के पूरे मुद्दे को जरूर शामिल करें, क्योंकि उससे हमें सदस्यों को भी सीएजी रिपोर्ट के माध्यम से बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, सीनियर अधिकारियों को भी बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलती हैं जो सामान्यतः 24 घंटे भी अगर फाइलों पे बैठे रहेंगे, उनको पढ़ते रहेंगे, तो उसके बाद भी हो सकता है नजर से छूटती हों, लेकिन उनकी उनकी बारीकी से काम करने का एक तरीका है सीएजी का, और उनको चीजों को लीड ट्रेल करके घुसने का एक तरीका है खामियों में, तो उससे अपने ही विभाग की और खामियां, अपनी फंक्शनिंग की खामियां पता चलेंगी और उसको सुधार करने में मदद मिलेगी। मैं ये भी एक नई परंपरा है कि वित्त मंत्री के रूप में सीएजी की रिपोर्ट को यहां पेश करते वक्त मैं उस पर अपना वक्तव्य भी दे रहा हूं। आमतौर पर सीएजी की रिपोर्ट चुपचाप पेश कर दी जाती है, लोग फिर कहीं बात होती है तो सीएजी की रिपोर्ट पे पैरा पे एक सफाई देते होते हैं। मैं यहां बाकायदा उस रिपोर्ट के कुछ, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा समय मिला, मैंने सरसरी तौर से उस पर नजर डाली है, उसके कुछ मुद्दों को माननीय सदस्यों के समक्ष रखना चाहता हूं, सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। मेरा आग्रह रहेगा, सभी को रिपोर्ट मिली है, ये तीन पार्ट की रिपोर्ट है, इसको रख लें ताकि मैं कुछ उनकी तरफ ध्यान दिलाऊंगा। ये ऐसी चीजें हैं जिनसे सीएजी की बारीकी से हमें भी अपनी बीमारी का भी पता चल रहा है, कहां बीमारी है नीचे अंदर के लेवल पे, कहां बीमारी है, सिम्टम्स तो सामने दिखते रहते हैं लेकिन मेन कॉज बीमारी की क्या है कई बार उसका पता चलता है। सीएजी ने जितनी बारीकी से एक एक डॉक्यूमेंट को खंगाला है, उससे हमें अपने सिस्टम को समझने में मदद मिली है, उसके सिस्टम की जकड़न को पकड़ने में मदद मिली है कि सिस्टम कहां अंदर अंदर किस जगह जकड़ा हुआ है। जैसे एक वो होता है ना, ये जो हड्डी वड्डी ठीक करते हैं डॉक्टर, जो ऑर्थोपेडिक्स, वो बताते हैं जब वो प्रैक्टिस करा रहे होते हैं, कुछ लग जाए अभी आपको लगा था कि नहीं नहीं आपके अंदर हड्डी के इस वाले कोने में यहां पे पकड़ लेना, थोड़ी सी ऐसी एक्सरसाइज कर लो, तो कई बार वो जकड़न पकड़ने में मदद मिलती है। मैं उसको इसी रूप में देख रहा हूं। हमारा मानना है कि हम लोग पिछले तीन साल से जब से कोशिश कर रहे हैं, हम लोग प्रो पीपल गवर्नमेंट के रूप में काम कर रहे हैं, और हम लोगों की जरूरत और उनकी आवश्यकताएं जो भी हैं उसके हिसाब से, चाहे वो पेंशन बढ़ाने का मसला हो, या आंगनवाड़ियों की सैलरी बढ़ाने का मसला हो, गैस टीचर की सैलरी बढ़ाने का मसला हो, बिजली पानी हेल्थ एजुकेशन इन सब पे काम करने का मसला हो, ये सब संविधान की प्रस्तावना से ड्रिवन है। संविधान की प्रस्तावना में आम आदमी की जिस तरह की जिंदगी का सपना लिखा गया है बहुत खूबसूरत शब्दों में, ये सारा तामझाम मैं कहूं तो उसको सुनिश्चित करने के लिए है, और हम सीएजी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बहुत बारीकी से इस चीज पर नजर रख के हमें ध्यान दिलाया है कि कहां कहां कुछ कमियां रह जा रही हैं।
उसकी ओर इशारा किया है। इसमें मैं समझता हूं कि तीनों हिस्सों में, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ सरसरी तौर पे इस पर नजर डाली है, पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं सदन के समक्ष रखूंगा, और जहां कुछ कमी होगी, जहां सीएजी को और ज्यादा इन्फॉर्म करने की जरूरत है, वहां सीएजी को भी इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन यहां इस सदन में खड़े होकर मैं कहना चाहता हूं कि अगर गलती है और अगर कहीं कुछ गलत किया है, वो चाहे अधिकारी से गलत हुआ है, मंत्री से गलत हुआ है, पिछले 3 साल में गलत हुआ है, उससे पहले गलत हुआ है, फिर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी सरकार करेगी। वो चाहे मंत्री ने गलत किया या अधिकारी ने गलत किया, जूनियर अधिकारी सीनियर अधिकारी ने जिससे भी गलत हुआ, मंत्री जिससे भी गलत हुआ, मंत्री की गलती होगी मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो मैं उसके इस विचार के साथ कुछ मुद्दे हैं, मैं चाहता हूं अगर सदस्यगण इसको रखेंगे अपने पास तो जरा मुझे भी दे दीजिए। मुर्गन जी, पार्ट वन इंग्लिश से मैं शुरू कर रहा हूं। वन, तीन है, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री। पार्ट अभी मैं आ रहा हूं, पेज नंबर पे आ रहा हूं। कई कुछ बहुत है, मैंने सरसरी तौर पे विजेंद्र जी जो चीजें अभी अंडरलाइन की हैं, मैं चाहूंगा कि उनको देख लें, सदस्य पूरी समय मिलेगा पढ़ेंगे जो करेगी, इस पे चर्चा भी कर सकते हैं आगे जाके। तो पेज नंबर में आ रहा हूं जी, मैं चाहता हूं सदस्य, जैसे पेज नंबर 22 है, इसमें वैसे कई ऐसे पॉइंट्स हैं पर पेज नंबर 22 एक इंपॉर्टेंट है जिसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। आर्टिकल 205 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पेज नंबर 5 पे 2.3.1 पैराग्राफ, पार्ट वन, आर्टिकल 205 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट इफ एनी मनी हैज बीन स्पेंड ऑन एनी सर्विस ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ग्रांटेड। एक रिपोर्ट दे दीजिए भाई, मेरे पास दो कॉपी है, इंग्लिश में पार्ट वन पेज 22 ये इंपॉर्टेंट है अध्यक्ष महोदय, इस विधानसभा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सभी, मैं अब सदस्य थोड़ा गंभीरता से ले लें प्लीज, हम सभी सदस्यों के ध्यान, जनरल सदस्यों के ध्यानाकर्षण के लिए मैं कह रहा हूं कि हम लोग यहां से बजट पास करके भेजते हैं किसी चीज पे, मान लीजिए 100 करोड़ बजट पास किया और किसी भी कारणवश गलती से आवश्यकता अनुसार मजबूरी कोई इमरजेंसी भी हो सकती है, अगर हमने वहां पे 105 करोड़ खर्च कर दिया सरकार में, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वापस उसको विधानसभा में लेके आएगी, उसको पीएसी में भी जवाब देगी और साथ साथ विधानसभा में लेके आएगी और उसको वापस उस 105 करोड़ को फिर विधानसभा से पास करा के ले जाएगी। तब तक जब तक वो 105 करोड़ रेगुलर नहीं होगा तब तक एक्स्ट्रा 5 करोड़ खर्चा जो है वो इरेगुलर माना जाएगा, वो गलत माना जाएगा। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं सीएजी का, उसने हमें ध्यान दिलाया कि किस तरह से 2006-07 से लेके और 2015-16 तक लगातार हर साल कुछ हेड्स में एक्सेस खर्च हुआ और अभी तक उसको रेगुलराइज नहीं कराया गया, विधानसभा में लाके उसको रेगुलराइज नहीं कराया गया, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उन्होंने कहा है, हाउएवर, अगर आप इस 2.3.1 का लास्ट लाइन देखें करीब, हाउएवर एक्सेस एक्सपेंडिचर अमाउंटिंग 85.71 करोड़ ऑफ द फॉर द पीरियड 2006-07 टू 2015-16 वाज येट टू बी रेगुलराइज्ड। इसके नीचे टेबल दी हुई है, टेबल में बताया गया 2006-07 में 9 करोड़ 12 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च हुआ, उसका अभी तक रेगुलराइजेशन नहीं हुआ है 10 साल बाद भी। ये तो आर्टिकल 205 का सीधा सीधा उल्लंघन हो रहा है 2006-07 से लेकर अब तक। 2007-08 में 11 करोड़ रुपए, 11.5 करोड़ रुपए, 2008-09 में 17.5 करोड़ रुपए, 2009-10 में 5.5 करोड़ रुपए, 2010-11 में 4 करोड़ रुपए करीब, 2012-13 में 27.5 करोड़ रुपए, 2013-14 में 5.25 करोड़ रुपए, 2014-15 में 3.5 करोड़ रुपए और 2015-16 में 2 करोड़ 21 2 करोड़ रुपए। तो ये एक्सेस एक्सपेंडिचर हुआ है, ये
मैं सिर्फ आपके संज्ञान में ला रहा हूं, मेरी इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं है, क्योंकि माननीय सदस्य मतलब ये प्राधिकार अभी पीएससी के पास में है, पीएससी इस पर बैठेगी, पीएससी को जवाब देगी सरकार, मैं सरकार का हिस्सा होने के नाते सुनिश्चित करूं सरकार तक जवाब, पीएससी तक जवाब पहुंचे, सदन तक पहुंचे। पर मैं एक कंसर्न फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में शायद पहला देश में ऐसा वित्त मंत्री होगा जो अपनी ही सरकार के बारे में प्रस्तुत रिपोर्ट को, सीएजी की रिपोर्ट को मैं खुद पढ़ रहा हूं इसको बैठ के। इसी तरह से हाँ, ये ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पर कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए, मुझे लगा कि मैं सदन का ध्यान सभी सदस्यों का दिला दूं, बाकी सब गंभीरता से अध्ययन करेंगे ही करेंगे, पीएससी के माननीय सदस्य और ज्यादा गंभीरता से इसका अध्ययन करेंगे। पेज नंबर 26 पे अगर आप देखें, पैरा नंबर 2.3.10, रश ऑफ एक्सपेंडिचर, जीएफआर का रूल 56 ये कहता है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में जब जहां जैसे जरूरत पड़ती है खर्च किया जाएगा, अगर लास्ट मिनट पे ये खर्चा पुश किया जा रहा है, रश आवर किया जा रहा है, तो इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ी है। हमारी अपनी सरकार के कार्यकाल में 2017 में, और मैं इसीलिए जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जहां गलती होगी हम उसको स्वीकारेंगे, जहां गलती होगी सीएजी को इन्फॉर्म करेंगे कि उनकी ऑब्जर्वेशन में गलती है, और जहां मंत्री अफसर की गलती होगी वहां उसके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। यहां पर मैं कह रहा हूं, रूल 56 ऑफ जीएफआर प्रोवाइड दैट रश of expenditure particularly in the closing months of the financial year is regarded as breach of financial propriety and should be avoided. Contrary to this, expenditure incurred by the department in the month of March 2017 and last quarter of the financial year 2016-17 under 32 subheads ranged between 53.75% to 100% of the total expenditure as given in uska appendix mein diya hua hai. तो 53 से 100% तक एक्सपेंडिचर अगर लास्ट आवर में हुआ है, तो ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया है। द रीजंस फॉर द दिस अप्रोप्रिएटली हायर एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द लास्ट क्वार्टर आर अवेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट उसमें देखें, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने मार्क किया था यहां पढ़ने के लिए, 2.3.11, एक रूल है, रूल 8 ऑफ डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स, ये कहता है कि उसमें एक हेड होता है लमसम, लमसम में अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में तब लिखा जाता है जब 10 लाख से कम का खर्चा हो रहा हो, अगर 10 लाख से ऊपर का खर्चा है तो डिटेल देने की जरूरत है, रूल 8 ऑफ डीएफआर 78। लेकिन ये रिपोर्ट कहती है, इसके 2.3.11 के पैरा एक को लास्ट लाइन पढ़ेंगे, इन 367 केसेस lump sum provision exceeded rupees 10 lakh rupees limit but no break of expenditure was given. इसी तरह से उससे आगे B, इसी का continuation में B पैरा पढ़ें, लेकिन इसको page 27 पे पढ़ें, in 74 cases an amount of 2,814 crore rupees was incorrectly shown in capital expenditure instead of revenue expenditure. ये technical दिक्कत है, इसका हो सकता है कोई वजह हो, लेकिन यहां क्योंकि उन्होंने उसको वो किया है, फ्लैग किया है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है 29 पेज पर, पेज 29 इसी रिपोर्ट में, रूल 212 ऑफ जीएफआर के बारे में बात करती है। ये कहता है कि सरकार जब भी कोई पैसा किसी गारंटी इंस्टीट्यूशन को देगी तो उससे एक साल के अंदर अंदर उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट लेगी। Rule 212 of the GFR stipulate that the for grants released during a year for a specific purpose, utilization certificates should be obtained by the departmental officers from the grantee within 12 months of the closure of the financial year. However, in 3,000, yes, important hai, in 3,105 cases, utilization certificates for an aggregate amount of 7,269 crore rupees in respect of the grant released up to March 2016 were not furnished by the grantees as on 31st March 2017. इसका जो इसमें भी इसमें इंपॉर्टेंट है कि यह भी कब से पेंडिंग है, 10-10 साल से पेंडिंग है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स। सीएजी ने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया है अध्यक्ष महोदय, कि दो से चार साल से, चार से छह साल से, छह से आठ साल से, आठ से दस साल से और 10 साल से भी ऊपर से पेंडिंग है। हाँ, और करीब 2300 करोड़ रुपए के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट 10 साल से ऊपर से पेंडिंग है। इसी का अगला पैराग्राफ है, नेक्स्ट पेज, पेज 30 अगर आप देखें, ऑडिट, ऑडिट जो है वो हमारी सरकारी व्यवस्था में एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है।
The audit of 10 bodies has been entrusted to the CAG section 19 and 20, under section 19 and 20 of CAG Act. The status of entrustment of audit, rendering the account to audit and issuance of separate audit report is indicated. Ab ye important hai. Out of 10 bodies, the authorities, the annual account of only 5 bodies authorized up to the year 2015-16 were received. 10 mein se matra 5 bodies ka audit kiya gaya tha, 15-16 tak. Aur agar aap iske niche ki table ko dekhen, to kai bodies ka audit jo hai, कई कई साल पुराना नहीं हुआ है. दिल्ली कल्याण समिति का 2014-15 और 15-16 में नहीं हुआ है, उसका नहीं हुआ. नेताजी सुभाष चंद्र इंस्टीट्यूट का 15-16, दिल्ली जल बोर्ड का 2012-13 से लेकर 15-16 तक, दिल्ली बिल्डिंग वर्कर फंड का, वर्कर वेलफेयर बोर्ड का 14-15, 15-16, ड्यूसिप का 2010-11 से 15-16, उनका ऑडिट उनका पेंडिंग है. इसको नेक्स्ट पैरा और देखें जो मैंने फ्लैग किया है इस सदन के में उल्लेख करने के लिए, पेज 30 पर ही 3.3, इसकी पहली लाइन इंपॉर्टेंट है. एज ऑन 31st मार्च 2017, 25 केसेस ऑफ थेफ्ट, मिसएप्रोप्रिएशन, लॉस ऑफ मटेरियल अमाउंटिंग 23 लाख वर पेंडिंग फॉर एक्शन. और द एज प्रोफाइल उसकी देखें अगले टेबल पे है. 20-20 साल पुराने मामले हैं जिनमें एफआईआर नहीं है. कहीं ना कहीं ये इंडिकेट, रिपोर्ट इंडिकेट कर रही है कि हम 15-20-25 साल से, कई मामलों में 10 साल से, कई मामलों में 6 साल से, 4 साल से, कुछ चीजों, मैंने इसीलिए कहा वो अंदर का नब्ज, अंदर की बीमारी क्या है उसको पकड़ने में हमें काफी इंडिकेट कर रही है. रेंज नियर 25 साल तक लिखा हुआ है, 20-25 साल तक का. इसी में अगर देखें ये पेज 31 पर, माने नेक्स्ट इसी पेज, इसमें 3.5 भी इंपॉर्टेंट है अध्यक्ष महोदय. एक प्रैक्टिस होती है सरकारी ट्रेजरी से, जब कोई पैसा लेता है, मान लीजिए उदाहरण के लिए कोई हम फंक्शन करा रहे हैं या कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उसमें से हमने पैसा लिया ट्रेजरी से एंटिसिपेटेड 10 लाख रुपए, तो उसको ये बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट कंटिंजेंट, मतलब ऐसे ही 10 लाख रुपए ले लिया. फिर उसके बाद जब वो पैसा खर्च हो जाता है, उससे कम हो या ज्यादा हो, तो उसके बाद में, समझने के लिए बता रहा हूं, डिटेल्ड काउंटरसाइंड कंटिजेंट बिल, डीसीसी बनता है उसका. तो ये रिपोर्ट बता रही है हमको, इस 3.5 का अगर पहला सेकंड देखें, स्क्रूटनी ऑफ रिकॉर्ड शोड दैट द टोटल अमाउंट ऑफ डीसीसी बिल रिसीव्ड वाज 397 करोड़ रुपीज, यानी कि 61% एज अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ एसी बिल्स ऑफ 1129 करोड़, लीविंग एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ एसी बिल्स ऑफ 431. और इसका पीरियड पूरा उन्होंने बताया है नीचे की टेबल में कि 2011-12, 12-13, 13-14 से लेकर 16-17 तक लमसम पैसा जितना लिया गया उसमें से अभी 61% का ही डिटेल बिल दिया गया है, उसका बाकी का करीब 40% का डिटेल बिल तक सबमिट नहीं किया गया है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट अध्यक्ष महोदय फॉर अस. और क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीएजी का अपना ऑब्जर्वेशन है. अगर इसी पैरा के कंटिन्यूशन में हम 31 पेज के नेक्स्ट, यानी 32 पेज में इसी पैरा के कंटिन्यूशन में पढ़ेंगे, इसकी तीसरी लाइन, चौथी लाइन, नेक्स्ट पेज 34 पे पैरा सबसे टॉप में चौथी लाइन, ड्यू टू नॉन सबमिशन ऑफ डीसी बिल्स बाय एफिशिएंट बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, इट कुड नॉट बी एंश्योर्ड दैट फंड हैज बीन यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच दीज हैड बीन ड्रॉन, दस पॉसिबिलिटी ऑफ मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स कुड नॉट बी रूल्ड आउट एंड इनफैक्ट इंक्रीजेस इन द एबसेंस ऑफ डीसीसी बिल्स. दिस इज इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, सीएजी के ऑब्जर्वेशन है. अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैं दूसरी रिपोर्ट, ये कुछ ऑब्जर्वेशन थी जो मैंने कर्सरी तौर पर पढ़ते हुए की. मैं रिपोर्ट टू चाहूंगा कि रिपोर्ट टू में से भी सदस्यगण देख लें. मैंने कुछ फ्लैग आउट किए हैं इसमें. पहला, पेज नंबर 6 पे देखें एक बार. वैसे रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी समरी, हर एक रिपोर्ट के शुरू में समरी है. समरी में शुरू के जो 5-6 ग्रीन पेजेस हैं, इनको ये ओवरव्यू पेजेस बोल रहे हैं, वो पूरी रिपोर्ट की समरी के पेजेस हैं. यहां इन्होंने ट्रेड एंड टैक्सेस डिपार्टमेंट के बारे में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के बारे में काफी कुछ ऑब्जर्वेशन दी हैं, पर मैं डिटेल वाले उसमें जा रहा हूं पार्ट में. पेज 6 पे अगर आप आएंगे, ये
हमारे एससी एसटी डिपार्टमेंट की एक कॉरपोरेशन है, नहीं उसके बारे में नहीं, ट्रेड एंड टैक्सेस, हाँ वो ऑडिट कमिटी, इसके बारे में पेज 6 पे अगर पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन देखेंगे, हाउएवर नो ऑडिट कमेटी मीटिंग वॉज हेल्ड बाई डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट स्टेट एक्सरसाइज एंड रेवेन्यू. गवर्नमेंट ने ऑडिट कमेटीज बनाई हुई है लेकिन ऑडिट कमेटी की मीटिंग्स ही नहीं हो रही है. नेक्स्ट पैराग्राफ में 1.6.3 में देखेंगे, फॉलोइंग अप ऑडिट रिपोर्ट द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी स्टिपुलेट दैट आफ्टर, ये पीएससी के मेंबर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द सीएजी ऑफ इंडिया इन असेंबली डिपार्टमेंट शैल इनिशिएट एक्शन ऑन द ऑडिट पैराग्राफ एंड द एक्शन टेकिंग नोट्स देयर ऑन शुड बी सबमिटेड बाय द गवर्नमेंट विद इन 3 months ऑफ द टेबलिंग ऑफ द रिपोर्ट फॉर कंसिडरेशन ऑफ द कमेटी. हाउएवर एक्शन टेकिंग नोट्स एक्शन टेकिंग नोट्स ऑन द रिपोर्ट्स वर डिलेड इन रेस्पेक्ट ऑफ 25 पैराग्राफ्स एंड 3 परफॉर्मेंस ऑडिट्स इंक्लूडिंग इन द रिपोर्ट्स ऑफ द सीएजी इन ऑफ इंडिया ऑन द रेवेन्यू सेक्टर ऑफ जीएनसीटीडी फॉर द इयर्स 31st मार्च 2012 13 14 15 16 रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पैराग्राफ्स के जवाब सीएजी पीएससी के पास नहीं आए, प्लेस्ड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वो नहीं आए हैं. और कितने पैराग्राफ कैसे हैं उसका नीचे इन्होंने टेबल में जिक्र किया हुआ है. आगे एक उल्लेखनीय चीज मुझे लगी, मुझे लगा सदन के समक्ष मैं उल्लेख कर दूं इसका, कि क्योंकि ऑडिट नहीं हुआ, कई पीएसयूज का ऑडिट नहीं हुआ, तो ये पेज नंबर 32 पे अगर हम देखें, ये टेबल के नीचे 1, 2, 3, 4 पैरा लास्ट की लाइंस हैं, इन द एब्सेंस ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर सब्सिक्वेंट ऑडिट. इस पेज में जहां ये 2.1.1 है उससे ठीक ऊपर की चार लाइनें देखें, इन द एब्सेंस ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर सब्सिक्वेंट ऑडिट इट कुड नॉट बी एंश्योर्ड वेदर द इन्वेस्टमेंट एंड द एक्सपेंडिचर इनकर्ड हैव बीन प्रॉपरली accounted for and whether the purpose of which the amount was invested was achieved or not. Thus, government's investment in such PSUs remained outside the control of state legislature. ये important इन्होंने इसको वो किया है separate audit accounts के लिए. इसी क्रम में अगर हम page 33 पे देखें para 2.1.11 ये पूरा paragraph important है. Delay in finalization of accounts may result in risk of fraud and leakage of public money apart from violation of provisions of the relevant statutes. In view of the above state of areas of accounts, the contribution of PSUs to the state GDP for the year could not be 2016-17 could not be ascertained and their contribution to the state exchequer was also not reported to the state legislature. Ye important observation hai CAG ki. इसी तरह से पेज नंबर 40 ये पीएसयूज के बारे में बता रहे हैं. दिल्ली शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अदर बैकवर्ड क्लासेस के माइनॉरिटीज हैंडीक्राफ्ट फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कॉरपोरेशन है उसके बारे में ये बता रहे हैं. कंपनी आगे इसको कंपनी रेफर कर रहा है ये. तो इसकी हाइलाइट्स देखिए 2.2 के नीचे अगर हाइलाइट्स देखें इसका, द कंपनी नीदर कंडक्टेड एनी सर्वे फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेटेड ग्रुप्स नॉर मेंटेन्ड एनी डेटाबेस ऑफ इंटेंडेड बेनिफिशरीज. द कंपनी हैज नॉट बीन फाइनलाइजिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन रेगुलर बेसिस. फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2004-05 एंड सब्सिक्वेंट ईयर हैव नॉट बीन ऑडिटेड. ये बीमारी है. इसी के नीचे दो पैराग्राफ और नीचे इसमें देखेंगे, देयर वर डेफिशिएंसीज इन एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट विद सिग्निफिकेंट डिलेज इन डिस्बर्समेंट ऑफ लोन्स. ये लोन्स के बारे में, द सिस्टम फॉर फॉलो अप ऑफ द रिकवरी फ्रॉम बेनिफिशरीज वाज अनसेटिस्फैक्टरी एज द टोटल रिकवरी मेड ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 वाज ओनली 11%. ये पेज 40 पे है. द रिकवरी प्रोसेस इन एज मेनी एज 3,530 cases out of 5,192 cases who had not been issued no objection certificate was not initiated. Initiated नहीं हुई है उसमें.
इसी तरह पेज 51 एक बार आ जाए, पेज 51 इंपॉर्टेंट है, लास्ट पैराग्राफ एकदम टेबल के नीचे, इसी कंपनी के बारे में जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। द अपेक्स कॉर्पोरेशन टुगेदर अलोकेटेड 3,664 लाख फॉर द बेनिफिट ऑफ एससी बीसी हैंडीकैप बेनिफिशरीज ड्यूरिंग 5 years पीरियड 2012 to 2017। द कंपनी सबमिटेड द प्रपोजल्स ऑफ 3,500 लाख आउट ऑफ विच 370 लाख वर सेंक्शन। द कंपनी हाउएवर could draw only 891 lakh, yani ki 26% for dispersal of loans. Non-drawal of sanction fund in case of BC and handicap beneficiaries was 95 and 88% respectively. Yani BCs ke liye, handicap ke liye, social sector ke liye, Rajendra bhai abhi jo bata rahe the, kahan wo cheezein fas rahi hain aur kitne saalon se lagatar fasti aa rahi hain, un pe koi dhyan nahi diya ja raha, uski aur important dhyan CAG ne dilaya hai aur isko durust karenge. तो ये पूरा पैराग्राफ उसके बारे में, इनेबिलिटी ऑफ कंपनी टू फुल्ली ड्रॉ द सैंक्शन अमाउंट फॉर डिसबर्सिंग लोन टू ऑल थ्री कैटेगरीज ऑफ बेनिफिशरीज डिस्पाइट देयर सिग्निफिकेंट प्रेजेंस अमंग दिल्ली पॉपुलेशन मींस द कंपनी हैज इफेक्टिवली फेल्ड टू परफॉर्म इट्स स्टेटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज द टारगेट ग्रुप वाइज ऑडिट फाइंडिंग्स आर एज अंडर। उसका फिर उन्होंने शेड्यूल कास्ट और उन सब के लिए वो करके दिया है कि 459 नंबर ऑफ एससी बेनिफिशरीज ड्यूरिंग द पीरियड 2012-17 वर डिसबर्स लोन ऑफ दिस। The company, however, did not do such prioritization to adhere norms while disbursing loans to SC beneficiaries. तो ये पूरा आगे उसका बताया है इन्होंने कि कहां कहां minorities के लिए कहां कमी रह गई। अगर देखें 53 पेज पे इसी में शेड्यूल कास्ट का, बैकवर्ड क्लासेस का, डिसेबल्ड पॉपुलेशन का, minorities का लिखा हुआ है। minorities वाले में देखेंगे दूसरी लाइन में, कंपनी वाज सेंक्शन 200 लाख रुपीज बट ड्रू ओनली 25 लाख रुपीज लोन। तो फंक्शनिंग पे बड़े सवाल CAG ने उठाए हैं। पेज 57 पे मैं चाहूंगा एक बार तवज्जो कि लोन, इन्होंने काफी ऑब्जर्वेशन दी है कि लोन देने में एक तो दिया कम लोगों को, ऊपर से जिनको दिया भी उनको देने में कैसी किस तरह की दिक्कतें की गई। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंट, पेज 57 पर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर वाइल कैंसिलिंग लोन प्रपोजल्स अंडर द स्कीम। इसका पॉइंट ए देखिए, In 5 cases, initially found suitable for dispersal of loan in the field of survey report conducted after receipt of application were later rejected on the parameters on which the field survey reports had confirmed. Field survey ne confirm kiya, usko reject kar diya. Usse agle, in 5 cases, applications were rejected on the ground of non-compliance of requirement which were already met by the applicant. To is tarah ke kai मामले, क्योंकि पूरी की पूरी कंपनी का ऑडिट किया है, इसीलिए मैंने कहा कि अगर इसी तरह का स्क्रूटनी हमारे पेंशन विभाग की भी हो गई होती तो और पेंशन विभाग के लाखों लोगों को स्क्रूटनी का इसका फायदा मिलता। हम भी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, पर CAG तो CAG है, CAG की जितनी पैनी नजर होती है। 62 पेज पे देखें कंपनी के फंक्शनिंग के बारे में, 62.2.7 का पॉइंट बी, 62 पेज पे, दो द कंपनी इज एंगेज इन एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द बेनिफिशरी सिंस 1983। ये देखने की जरूरत है कि ये गड़बड़ियां चल कहां से रही है और कब से चल रही है। इट हैज नॉट इंट्रोड्यूस्ड एनी इंटरनल ऑडिट सिस्टम टू इवेल्युएट द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस विद द एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। 83 से जो कंपनी काम कर रही है उसका कोई सिस्टम ही नहीं बनाया इन्होंने। इसके बाद डी, द कंपनी हैज नॉट बीन मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट एंड डिस्पोजल ऑफ द पब्लिक ग्रीवेंसेस। तो इन कमियों के तरफ CAG ने हमारा ध्यान दिलाया है और 83 से चलती चली आ रही हैं ये कमियां। इस इतना क्लोज स्क्रूटनी, बारीकी से स्क्रूटनी, मैं जैसा मैंने कहा कि 24 तीसरी रिपोर्ट पे आऊंगा मैं, 24 घंटे भी अगर मिनिस्टर्स और सीनियर ऑफिसर्स को भी हम लगाएं फाइल लेके बैठे रहें, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए ये CAG का इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए। अध्यक्ष महोदय, थर्ड रिपोर्ट में कुछ 3-4 पेजेस हैं जिनको मैं चाहूंगा कि हम लोग देख लें, बाकी तो ये समरी है, समरी का तो पूरा है ही, शॉर्टेज ऑफ, अगर समरी को देखें तो इन्होंने आयुष में समरी का ओवरव्यू में पेज 8-7 ओवरव्यू में इनिशियल ग्रीन पेजेस में, शॉर्टेज ऑफ द कैडर ऑफ डॉक्टर फार्मास्यूटिकल एंड नर्सेस वर बिटवीन 37 to 52%। इसी तरह से देयर वर सिग्निफिकेंट शॉर्टेज ऑफ मेडिकल स्टाफ थ्रू आउट 2012 to 2017 इन आयुष डिस्पेंसरीज। आउट ऑफ 103 होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज ओनली 24 वर हैविंग फुल कॉम्प्लीमेंट
of staff to ensure proper patient care. तो ये इस मतलब कमी और उस कमी की हिस्ट्री क्या है उसको समझे बिना हम उसको ठीक करना मुश्किल है. इसीलिए मैंने जिस नोट से शुरू किया था कि सीएजी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन और वाई इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि वो पूरे अगर इसकी रिपोर्ट को पॉजिटिव डायरेक्शन से देखा जाए पॉजिटिव एंगल से देखा जाए तो सरकार को अपनी हिस्टोरिकल कमियां तक देखने के लिए वो मदद करती है. ऐसे ही नेक्स्ट पेज पे देखेंगे वैसे तो बहुत सारी समरी है डिले इसी का एमसीडी वाला सेक्शन भी है नाइन्थ इसी में रिपोर्ट नंबर 3 में पेज नंबर 9 इनिशियली पेज नंबर 9 रोमन 9 ये ग्रीन पेजेस में रोड्स के बारे में इस बार 1000 करोड़ रुपए रखा है हमने रोड्स पे खर्च करने के लिए अलग से एमसीडी वाली रोड्स के लिए और बाकी सब पीडब्ल्यूडी और अनऑथराइज कॉलोनीज की कर ही रहे हैं बातचीत लेकिन इंपॉर्टेंट है ये कह रही है कि डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ दिल्ली रोड नेटवर्क बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ए परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ रोड वर्क एग्जीक्यूटेड बाय द एमसीडी वॉज कंडक्टेड बाय अ व्यू ऑफ असेसिंग वेदर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड वर्क प्लांड विद अ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव एंड एग्जीक्यूटेड इन ए ट्रांसपेरेंट मैनर इन अकॉर्डेंस विद द प्रेस्क्राइब्ड रूल्स प्रोसीजर्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस. इसके नेक्स्ट इसी में पॉइंट 1 पे देखें डॉट पॉइंट पे मल्टीपल एजेंसीज वर रिस्पांसिबल फॉर दिल्ली रोड नेटवर्क द अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट डिड नॉट एस्टेब्लिश एनी मैकेनिज्म टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ दीज एजेंसीज टू प्रिपेयर अ पर्सपेक्टिव प्लान लैक ऑफ विच हिंडर्ड द इफेक्टिव प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन इन डेवलपिंग दिल्ली रोड नेटवर्क इन ए फेज्ड मैनर टू कोप अप विद द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ व्हीकल्स इन द सिटी. फर्दर There was no effective mechanism for citizens to address their grievances related to specific roads in the areas. इसी को MCD वाले को अगर हम क्योंकि ये तो overview में था पेज 43 मैं चाहूंगा हम देखें 43 पेज पर क्योंकि MCD का डिटेल उसमें है 43 में 2.2.8.1 पैराग्राफ जो ये कंटिन्यूशन पैराग्राफ है इसमें सेकेंड The agency one contended in the court एक केस चल रहा है सड़क बनने के बारे में उसके बारे में काम देने के बारे में तो एमसीडी की फंक्शनिंग पे भी इन्होंने सवाल उठाया किस तरह से कहां मैं बार बार इस सदन में कैसे कहता रहा हूं कि पैसा ज्यादा दे रहे हैं लेकिन जा कहां रहा है ये बता रही है रिपोर्ट द एजेंसी वन contended इन द कोर्ट दैट प्राइस कोटेड बाई एजेंसी टू वॉज नॉट वर्केबल एंड एडिशनल सम वुड बी रिकवर्ड थ्रू द डिवाइस ऑफ एस्केलेशन एटसेट्रा एंड देयर वुड बी सीरियस इशू ऑफ क्वालिटी The court in March 2011 took note of apprehension of Agency 1 and in their orders directed MCD to appoint CRRI as an independent agency to monitor the work with the mandate inter alia to ensure timeline are met and the cost escalation is kept to bare minimum. With a view of maintaining transparency in the execution, the Honorable Court directed that concerned independent agency would place on website of MCD quarterly progress report of the work. Accordingly, The EVE awarded the work in August 2011 to Agency 2 at a contractual amount of 123 crore. As of October 2017, payment of 137 crore had been made to the contractor. Further scrutiny revealed the following. Pehli line important hai isme next paragraph ki. Despite court order, the MCD did not engage CRRI as independent monitoring agency. As a result, work was executed without a vigilance. Isi ko next chalenge. 44 पेज नंबर 44 में इसी का कंटिन्यूशन है पॉइंट 2 इनसफिशियंट रिकॉर्ड ऑन अश्योरेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क रिपोर्ट्स ऑफ मैंडेट मिल गया पेज नंबर 44 में पॉइंट रोमन 2 रिपोर्ट्स ऑफ द मैंडेटरी क्वालिटी टेस्ट बाय द डिविजनल ऑफिसर प्रेस्क्राइब इन द CPWD एंड मॉर्थ स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिटी टेस्ट रिपोर्ट ऑफ थर्ड पार्टी वर नॉट अवेलेबल विद द डिविजन. अब इसका जवाब भी दिया है साउथ एमसीडी ने उन्होंने बताया अपना जस्टिफिकेशन अगले पैराग्राफ में लेकिन लास्ट में सीएजी कहता है कि बट सपोर्टिंग रिकॉर्ड्स वर नॉट अवेलेबल. आगे अगर नेक्स्ट पेज पे देखें 45 पे बी पॉइंट बी अनसेटिस्फाइड लोडिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ व्हीकल अलॉन्ग विद इट्स रनिंग कॉस्ट ऑन वर्क इंटरेस्टिंग है अ कंडीशन वॉज इंक्लूडेड इन द जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉट एन एसओक्यू That contractor would provide a new vehicle of not less than 1800 cc for the use of department along with fuel, maintenance, driver, etc. Contractor se vehicle manga gaya.
ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड कॉन्ट्रेक्टर से व्हीकल मांगा यार उसमें कंडीशन लगाई गई आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट द व्हीकल वाज टू बी ट्रांसफर्ड टू एमसीडी दिस वाज नॉट जस्टिफाइड एज इट अमाउंट्स टू बाइंग ए कार थ्रू द कॉन्ट्रेक्टर टू अवॉइड द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है एमसीडी में गाड़ी खरीदी जा रही है पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल ना लेना पड़े इसके लिए कॉन्ट्रेक्टर को कह दिया गया कि तुम गाड़ी खरीद के दे दो ये पहला ऐसा व्यवस्था होगी द प्रोजेक्ट हैज बीन क्लोज्ड बट द व्हीकल वर नॉट टेकन इनटू स्टॉक ऑफ साउथ डीएमसी प्रोजेक्ट बंद भी हो गया कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था तुम व्हीकल खरीदोगे और बाद में एमसीडी को दोगे प्रोजेक्ट खत्म भी हो गया उसके बाद व्हीकल भी एमसीडी को नहीं मिला इंटरेस्टिंग है आगे अगर आप देखें पेज नंबर 48 इसको पढ़ना इंटरेस्टिंग है अपनी जानकारी के लिए भी पेज नंबर 48 में दूसरा ये पॉइंट 5 अगर देखें रोमन 5 अनड्यू पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर एमसीडी का है ए पेमेंट ऑफ 45 लाख वाज मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर फॉर ग्रेड सेपरेटर वर्क फॉर यूजिंग रेनफोर्समेंट बार ऑफ एफई 500 इन प्लेस ऑफ रेनफोर्समेंट बार ऑफ एफई 415 मेंशन्ड इन कॉन्ट्रैक्ट Reasons for not using contractual items, approval of competent authority to use FE 500 in place of FE 415 and basis for working out price difference between these two were not on record. Payments for items not approved by competent authority amount to undue payment to contractor. Isi ka next paragraph. Grade separator work was completed in August 14 and the contractor was paid 47 lakh for an item of SOQ. For horticulture works comprising preparation of land, providing of good earth, manure, supply of plants and trees and manpower, audit physically visited the site in June 2017 and noticed that there was no sign of vegetation around or below the flyover. Instead, three big office complexes were existing there. Jiska payment ho gaya jis kaam ka, vegetation ka, manure ka, greenery ka, sab ka. Jab audit ne uska inspection kiya to pata chala wahan to building bani hui hai. Office of the engineer, executive engineer PR 1 and 2, West Zone, South DMC and Office of the Executive Engineer Maintenance Division. In such a situation, it was difficult to verify whether the work was previously executed. Blah, blah, aage. So, is tarah ki kuch cheezein aur hain. Meri notice mein jo aayi hain, main aur bhi dhyan se padhunga isko. Page 54 pe dekhiye. Delhi sarkar ke paise jab jaate hain, to uska kya sadupyog hua hai? Uske baare mein page 54 pe लास्ट पैराग्राफ से ऊपर 2.2.8.10 अनऑथराइज्ड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रांट इन एड द जेएनसीडीडी इन 2007 अप्रूव्ड ए स्कीम फॉर वाइडनिंग इंप्रूवमेंट स्ट्रेंथनिंग एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ जीटी रोड फ्रॉम ईस्टर्न अप्रोच टू आईएसबीटी टू उत्तर प्रदेश बॉर्डर आपके यहां भी प्रोजेक्ट टू डिवीजन शाहदरा हाउएवर अनऑथराइज्डली ये जो डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट टू डिवीजन शाहदरा हाउएवर अनऑथराइज्डली डाइवर्टेड द फंड्स रिसीव्ड अंडर द स्कीम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ आरसीसी ड्रेन फ्रॉम न्यू सीलमपुर टू शिव मंदिर इंक्लूडिंग साइट लेन फ्रॉम शिव मंदिर टू रोड दिस एंड वाज अवार्डेड इन सितंबर 2012 एट ए कॉन्ट्रेक्चुअल कॉस्ट ऑफ 2 करोड़ रुपीज द स्टिपुलेटेड डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क वाज इन मे 2013 एमसीडी पेड 1 करोड़ रुपीज टू द कॉन्ट्रेक्टर टिल नवंबर 13 एंड नो प्रोग्रेस ऑफ द वर्क वाज रिकॉर्डेड देयर आफ्टर मतलब कहीं का पैसा था कहीं लगाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया और वहां भी काम नहीं हुआ और फिर कहेंगे पैसा कम देते हैं पेज 61 पेज 61 में 2.2.8.18 18 नंबर पैराग्राफ लास्ट उसमें सीरीज में नॉन रिकवरी ऑफ 1.92 करोड़ फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर इसका पैरा 2 पढ़ लें इस पॉइंट का इन मुंडका एंड रामपुरा आरयूबीज क्वांटिटीज ऑफ 26 आइटम्स एंड 29 आइटम्स विद टेंडर रेट्स लोअर देन जस्टिफाइड रेट्स वर एग्जीक्यूटेड इन लेसर क्वांटिटी देन दोज मेंशन्ड इन द शेड्यूल ऑफ क्वांटिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट टीम नोटिस्ड दैट दो पेमेंट्स ऑफ 34 करोड़ रुपीज एंड 5.95 करोड़ रुपीज वर मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ रेस्पेक्टिव वर्क्स अप टू 2016 अक्टूबर एंड 14 बट रिकवरीज अमाउंटिंग 1.7 करोड़ एंड 0.2 करोड़ रेस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द अबव कंडीशन हैव नॉट बीन मेड एज ऑन अगस्त
The project have neither been declared as complete nor the final bill paid. इसी तरह से रोहनी प्रोजेक्ट में हुआ पैसा हाँ तो इसका ऑडिट रिपोर्ट की भी नजर में है ये अरे पेज 63 अध्यक्ष महोदय मैं चाहूंगा पेज 63 में लास्ट पैराग्राफ है रोमन 3 पॉइंट में पेमेंट फॉर वर्क हैविंग नो एविडेंस फॉर देयर एक्चुअल एग्जीक्यूशन एमसीडी का ही है In five divisions of total amount of 7.19 crore was shown. Page 63 mein last paragraph hai. In five divisions of MCD, a total amount of 7 crore rupees was shown in cash books as payments for works done under the head of LA Roads. On being asked about the approval of the competent authority for these works, ye interesting hai sir, suniyega zara. These works, divisions intimated that the same was not available. No documents like work order, bids or contract documents, completion certificates, etc. were made available to the audit by divisions in support of these payments except vouchers. Khali voucher diye gaye. Further, scrutiny of the voucher revealed, ab ye aage maine isliye kaha interesting. Further scrutiny of the voucher revealed that out of 7 crore rupees, amount of 1.13 crore was shown incurred or contingent expenditure of divisions such as purchase of furniture, car, construction, of office cabin etc. सुनो तो अभी तो आगे भी फायदा तो ये किस काम का पैसा था किस काम पे खर्च हुआ बताया गया वाउचर के बाद However, necessary वाउचर में दिखाया गया कुछ और खर्च कर दिया है कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है However, necessary stock entries of the items were not found in official record of the division. मतलब कार खरीदी फर्नीचर खरीदा ऑफिस केबिन बनवाए उसका कोई ऑफिस रिकॉर्ड में कहीं किसी एंट्री में वहां पे मेंटेनेंस उसमें भी नहीं है उसका कोई ऑफिस नेसेसरी स्टॉक एंट्रीज में उसका एंट्रेंस तक नहीं है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं चाहता हूं कि 112 पेज भी देख लें चलते चलते दो पेज और हैं बस 112 पेज पे ऊपर के पैराग्राफ में कैश इंसेंटिव्स टू ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का है बहुत सारे हैं नोट्स तो मैंने बहुत किए थे पर मुझे लगा कि सारे पढ़ना संभव नहीं है अभी और भी कई मुद्दों पर चर्चा होनी है स्पोर्ट्स में एज ऑन ये टॉप पैराग्राफ की मैं पांचवी छठी लाइन पढ़ रहा हूं एज ऑन जून 2017 39 चेक्स अमाउंटिंग रुपीज 9.6 लाख रुपीज फॉर द ईयर 2013-14 एंड 15 चेक्स ऑफ 18 लाख पर ईयर फॉर द ईयर 2014 वर लाइंग विद द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एज अनक्लेम्ड बाय द स्पोर्ट्स पर्सन कभी कोई फंक्शन हुआ होगा 14-15-12-13 जब भी हुआ उसमें अवार्ड दे दिया लेकिन खिलाड़ियों को दिया नहीं गया उनके चेक्स बने बनाए पड़े हुए हैं इनएबिलिटी टू डिलीवर द कैश अवार्ड्स टू द सिलेक्टेड आउटस्टैंडिंग प्लेयर शोज स्कैंट रिगार्ड्स ऑन द पार्ट ऑफ डीओई टुवर्ड्स आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स स्पोर्ट्स पर्सन एज वेल एज द कैश इंसेंटिव स्कीम इटसेल्फ इसी पैराग्राफ के लास्ट में रिप्लाई से भी वो संतुष्ट नहीं है एक लास्ट में इंटरेस्टिंग और मैं पढ़ना चाहता था अध्यक्ष महोदय 122-123 पेज पर 122-123 पेज पर है ये और इसका ये फूड सप्लाई डिपार्टमेंट का है फूड सप्लाई डिपार्टमेंट में राशन आया एफसीआई के गोडाउन से हमने सुना था बहुत सारे अलग अलग स्कैम्स के बारे में उसमें इस तरह की खबरें आती हैं 122 पेज नंबर 122 पे पैराग्राफ नंबर 6 देखिए Test check of 207 vehicles used for transportation of SFA from godowns of food FCI to FPS showed that the 10 vehicles were registered with other government departments, 42 were found not registered with transport department. Eight vehicles which ferried 1589 quintals of SFA to FPS had registration number of buses. टू व्हीलर्स स्कूटर्स मोटरसाइकिल्स एंड थ्री व्हीलर्स इसमें डेट ईयर नहीं मेंशन है सर डेट ईयर नहीं इसमें मेंशन वो इसमें पूरी रिपोर्ट में है अध्यक्ष महोदय ठीक है लेकिन मैं सिर्फ मेंशन कर रहा हूँ वो कभी भी हुआ हो हमारी सरकार के समय हुआ हमसे पहले हुआ हो मैटर यह है कि जब हम यहाँ खड़े होकर कहते हैं कि एफपीएस ठीक से काम नहीं कर रहा है तो एलजी साहब कहते हैं कि सबसे बढ़िया काम कर रहा है ये किसके स्कूटर कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं
किसको मान, किसको लग रहा है कि एफपीएस सिस्टम ठीक, सीएजी को लग रहा है कि एफपीएस सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। सीएजी कह रहा है कि नीचे डिपार्टमेंट में स्कूटर के नंबर, ट्रकों की जगह बसों के नंबर, थ्री व्हीलर के नंबर, स्कूटर के नंबर लिखे जा रहे हैं। और एलजी साहब कह रहे हैं कि साहब एफपीएस सिस्टम तो फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, मैंने अधिकारियों से पूछ लिया है। ये जो डोर स्टेप डिलीवरी से, डोर स्टेप डिलीवरी के नाम पे जिन जिन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है ना, उनको रिपोर्ट बताएगी उसकी हकीकत एफपीएस। ये स्कूटर किसके लगे हुए हैं किराए? अभी एफपीएस दो छोटे छोटे से पॉइंट और रख के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि दो महत्वपूर्ण आज इशू, अब सदन का समय आगे भी बढ़ाना पड़ा है, हम लोग ऐसे निकाल देते हैं कई बार। 123 पेज पे पॉइंट नंबर 8 सबसे टॉप में, एसएमएस अलर्ट भेजे जाते हैं, हमने व्यवस्था की, लेकिन क्योंकि एफपीएस पूरी की पूरी फूड सप्लाई सिस्टम एलजी साहब के हिसाब से, कुछ अधिकारियों के हिसाब से बहुत बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन सीएजी ने बताया कि कैसे बढ़िया काम कर रहा है, SMS alerts are sent to the card holders when SFAs are dispatched from FCI godown. FCI के godown से निकलने के बाद card holder के पास SMS जाता है। CAG पाता है कि 2453 cases, the mobile number of the beneficiaries actually pertain to FPS license holders and who were not beneficiaries on FS scheme, indicating that SMS were not always being sent to the real beneficiaries. दुकानदारों को भेजते, जबकि card holder को जाने चाहिए थे। इसी तरह से लास्ट में एक और हम कहते हैं जी इंस्पेक्शन, जिन अधिकारियों के बेस पे एलजी साहब कह रहे हैं, जिन अधिकारियों के पर्सनल इनपुट्स पे एलजी साहब कह रहे हैं कि साहब एफपीएस स्कीम बहुत शानदार काम कर रही है, उन अधिकारियों का रिपोर्ट लेने का तरीका और एलजी साहब को बताने का जो भी तरीका रहा हो, लेकिन हम पूछते हैं, हम तो फील्ड में जाते हैं तो हमें तो दिखता नहीं है, हमें तो ये प्रॉब्लम दिखती है, जब हम कहते हैं कि इसका सॉल्यूशन लाओ तो वो कहते हैं सब कुछ तो ठीक चल रहा है, तुम बेकार की बात कर रहे हो। पॉइंट नंबर 10 इसी पेज पे 123 पे पॉइंट नंबर 10 की लास्ट लाइन लिख लीजिए, बेसिकली क्या इंस्पेक्शन करना होता है असिस्टेंट कमिश्नर्स को, इनको ऑडिट डिड नॉट फाइंड एविडेंस, इससे पहले पढ़ लेते हैं, पूरा पढ़ देता हूं मैं, एज पर क्लॉज 11 कंट्रोल ऑर्डर डेटेड 20 मार्च 2015, द स्टेट गवर्नमेंट शैल एंश्योर रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ एफपीएस नॉट लेस देन वंस इन 3 months by the designated authority. Department accordingly instructed in June 2015 that area inspector, assistant commissioner and joint commissioner would conduct 10, 7, 5 and 2 inspections per month respectively. Though department claimed to have carried out the inspections, audit did not find evidence of such inspections in the form of records. There is no provision in the EPDS NFS to record the inspection of details. हवा में चल रहा है, तो हवा में राशन बट रहा है, आप राशन घर में पहुंचवाने की बात करो तो बोलो सब कुछ ठीक चल रहा है, क्यों कर रहे हो, बेकार की बात कर रहे हो। तो अध्यक्ष महोदय, मैंने इसलिए ये सदन के समक्ष रखी, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू एवरी इंस्टीट्यूशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, सीएजी का बहुत बड़ा योगदान है पूरी सरकार के फंक्शनिंग को, जिस तरह से उन्होंने पिछले कुछ वर्षों और उससे भी पिछले कुछ वर्षों में उठाया है, हम उनका धन्यवाद।